वहीं कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रखा था एलपीजी सिलेंडर, टक्कर के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। रेलवे पुलिस और जीआरपी को भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर भी मिला है। ट्रैक पर केमिकल और सफेद पाउडर भी मिला। पुलिस ने दो हिस्ट्री शीटर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ चल रही है। पुलिस ने मिठाई की दुकान के सीटीआर जब्त किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए टक्कर के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके बाद जांच भी की गई और जांच में एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये हादसा जो बड़ा हो सकता था वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कई लोगों की जान भी जा सकती थी। क्या अपडेट है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और जब जांच की गई तब ऐसी कौन कौन सी चीजें बरामद की गई जिससे ये एक साजिश साबित हो रही है? ये कानपुर से ट्रेन जो है बनती है और सीधे बिल्लौर, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए दिल्ली के लिए ये ट्रेन जो है कालिंदी एक्सप्रेस जो है ये जाती है। कई जो है हजार लोग इस ट्रेन से सवारी करते हैं, जिसको एक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश के तहत जो है पलटाने की कोशिश करी गई और उस पर जो है हमला करने की कोशिश करी गई। क्योंकि जब लोको पायलट ने जो जानकारी पुलिस को और रेलवे के अधिकारियों को दी थी, उसमें सीधे बताया था कि कोई एक भारी चीज से ट्रेन टकराई थी, जिसका अंदेशा लोको पायलट को हुआ। उसके बाद उसने जो सीनियर अधिकारी थे उनको मौके पर टीम और कानपुर पुलिस के आला अधिकारी, रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो चीजें निकल के सामने वो बेहद चौंकाने वाली थी। एक मौके से इंडियन गैस का जो सिलेंडर है वो कहीं भरा हुआ पाया गया, और वो जो क्योंकि जो सिलेंडर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, जो है अधिकतर हिस्सा उसका पिचक चुका था, तो कहीं ना कहीं जो है उस सिलेंडर को ट्रैक पर रखे जाने की बात सामने आ रही है कि उसी सिलेंडर से कहीं ना कहीं ट्रेन टकराई होगी। अब आप समझिए कि अगर भरा सिलेंडर ट्रैक पर रखा गया है और उससे ट्रेन टकराती है, ये तो कहिए कि सिलेंडर फटा नहीं। अगर सिलेंडर फटता तो जाहिर सी बात है ट्रेन हादसे का शिकार होती और कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जांच में ये भी पाया गया कि मौके से जो है बोतल में कुछ पदार्थ भरा हुआ था, कुछ सफेद पाउडर था, जिससे जो बोतल बम होता है उसकी भी आशंकाएं जताई जा रही है। एक फर्रुखाबाद की मिठाई की दुकान का एक रैपर भी मिला है, जिसमें वो सफेद पाउडर था, एक झोला भी मिला, एक डब्बा भी मिला है। हालांकि पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, रेलवे के अधिकारी हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, और रेलवे के अधिकारियों ने इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया, न कानपुर पुलिस ने, कि ये एक बड़ी आतंकवादी साजिश नहीं हो सकती है निश्चित। बिल्कुल राहुल, और ये भी देखना होगा जिन दो हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ सामने आने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।